तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं GTA San Andreas। तो गाइस आज हम करने वाले हैं स्कॉर्पियो S11 वर्सेस स्कॉर्पियो N के बीच एक्सट्रीम ऑफरोडिंग। तो आज हमें पता चलेगा कि आखिर कौन है असली बिग डैडी ऑफ ऑल SUVs, कौन है ज़्यादा पावरफुल। तो हम अपनी दोनों कारों को लेकर आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर। तो यहाँ पर सामने आपको जो चढ़ान दिखाई दे रही है, इस चढ़ान पर अपनी दोनों कारों को चढ़ाने वाले हैं। देखते हैं कौन सी कार सबसे आसानी से चढ़ती है और कौन सी कार को चढ़ने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम अपनी स्कॉर्पियो S11 से ट्राई करने वाले हैं। यार कितने बच्चों ड्राइवर है साले ने स्कॉर्पियो उठा दिया यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कैसे फालतू लोग हैं यार, क्या बताऊं मैं इसको यार। चलो छोड़ो, अपने स्कॉर्पियो को इस चढ़ान पर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, अपनी जो स्कॉर्पियो काफ़ी आराम से चढ़ान पर चढ़ जाती है, कोई भी स्ट्रगल इसे नहीं करना पड़ता। मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अपनी स्कॉर्पियो S11। तो अब हम ट्राई करते हैं अपनी स्कॉर्पियो N से, देखते हैं क्या स्कॉर्पियो इस चढ़ान पर चढ़ पाती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम काफ़ी आराम से चढ़ाने वाले हैं ताकि अपनी कार को कोई डैमेज ना हो। और अपनी जो स्कॉर्पियो यहाँ पर काफ़ी आसानी से चढ़ रही है, इसे भी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। और फाइनली ये भी आखिर तक आ चुकी है और काफ़ी आराम से आ चुकी है, मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर इस चढ़ान पर तो दोनों कारों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब हम आ चुके हैं अपनी दोनों कारों को लेकर अगली लोकेशन पर। सामने आपको जो छोटी सी चढ़ान दिखाई दे रही है, इस पर हम अपनी दोनों कारों को चढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी स्कॉर्पियो S11 से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं कि अपनी जो स्कॉर्पियो S11 है यहाँ पर काफ़ी आसानी से चढ़ जाती है बिना कोई दिक्कत के। तो यहाँ पर अपने स्कॉर्पियो S11 ने तो इस चैलेंज को काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया। अब बारी है अपनी स्कॉर्पियो N की बिग डैडी ऑफ ऑल SUVs जिसे कहा जाता है। देखते हैं कि अपनी बिग डैडी यहाँ पर चढ़ पाती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसको फ़ायदा भी मिल जाता है क्योंकि इसमें 4x4 का ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम इसे 4x2 में रखेंगे पूरे वीडियो में। और यहाँ पर भी काफ़ी आसानी से इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेती है। अब हम आ चुके हैं अपनी दोनों कारों को लेकर अगली लोकेशन पर। सामने आपको जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी पर हमें अपनी दोनों कारों को चढ़ाना है। तो सबसे पहले हम करने वाले स्कॉर्पियो N से बिग डैडी ओप्पो ओला सीरीज से। तो देखते हैं कि अब बिग डैडी यहाँ पर चढ़ पाती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर अपनी जो बिग डैडी है काफ़ी आसानी से चढ़ जाती है और मैंने बीच में रेस भी छोड़ दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर भी अपनी जो स्कॉर्पियो काफ़ी आसानी से यहाँ पर चढ़ जाती है। अब बारी है अपनी स्कॉर्पियो S11 की, देखते हैं क्या अपनी स्कॉर्पियो S11 जिसे रियल माफिया कहा जाता है, और उसका लुक आप देख सकते हो भाई साहब कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। तो देखते हैं कि अपनी माफिया कार इस पहाड़ी पर चढ़ पाती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमने चढ़ान अपनी शुरू कर दिया है और यहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो S11 भी भाई काफ़ी आसानी से इस चढ़ान पर चढ़ जाती है। तो गाइस यहाँ पर इस चढ़ान पर भाई अपनी दोनों कार सक्सेसफुली चढ़ जाती है, मतलब दोनों कारों में काफ़ी ज़्यादा जान है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है दोनों कार, और भाई मज़ा आ गया यहाँ पर ऑफ रोडिंग करके। तो अब हम आ चुके हैं अपनी दोनों कारों को लेकर अपनी अगली लोकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पहाड़ी पर आप जो देख रही है सामने, यहाँ पर हमें अपनी दोनों कारों को चढ़ाना है। तो सबसे पहले हम करने वाले अपनी स्कॉर्पियो S11 से, देखते हैं कि अपनी स्कॉर्पियो S11 इस पहाड़ी पर चढ़ पाती या फिर नहीं। ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल की है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। तो यहाँ पर अपनी जो स्कॉर्पियो है पहले बार में यहाँ पर फेल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा धीमी रख रखी थी, तो इसलिए यहाँ पर स्कॉर्पियो नहीं चढ़ पाई थी। फिर हमने दोबारा ट्राई किया तो फिर भी यहाँ पर फंस जाती है, तो फिर हम इसे वापस ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन की, तब यहाँ पर अपनी जो स्कॉर्पियो S11 काफ़ी आसानी से यहाँ पर चढ़ जाती है। तो अब बारी अपनी स्कॉर्पियो N की, देखते हैं कि अपनी स्कॉर्पियो यहाँ पर चढ़ पाती है या फिर नहीं। तो अपनी स्कॉर्पियो N की यहाँ पर हमें स्पीड मेंटेन करनी होगी वरना स्कॉर्पियो S11 की तरह यह फंस भी सकती है। तो यहाँ पर हमने स्पीड मेंटेन की तो अपनी जो स्कॉर्पियो पहली बार में काफ़ी आसानी से यहाँ पर चढ़ जाती है। तो गाइस अपनी दोनों ही महिंद्रा की जो कार्स है भाई साहब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा सक्षम है ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं अपनी दोनों कारों को लेकर अपनी अगली लोकेशन पर। यहाँ पर सामने आपको नदी दिखाई दे रही है, तो अब हम दोनों कारों से करने वाले हैं रिवर क्रॉसिंग। देखते हैं कौन सी कार सक्सेसफुली रिवर क्रॉसिंग कर पाती है। तो सबसे पहले हम करने वाले अपनी स्कॉर्पियो S11 से, तो हमें बहुत ही ध्यान से चलाना होगा क्योंकि उस साइड से काफ़ी ज़्यादा पानी गहरा है, तो यहाँ पर दोनों कार फंस भी सकती है। तो अपनी जो स्कॉर्पियो S11 बाइक काफ़ी आसानी से यहाँ पर निकल जाती है और रिवर क्रॉसिंग कर लेती है। यहाँ पर ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है, अगर कार फंस जाती है तो यहाँ पर रिकवरी के लिए हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। तो अपने स्कॉर्पियो N भी यहाँ पर इस नदी को पार कर लेती है। यहाँ पर दोनों ही कार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आपकी फेवरेट कौन सी कमेंट करके जरूर बताना। मेरी पर्सनली फेवरेट है अपनी स्कॉर्पियो S11, उसका जो लुक है ना भाई माफिया लुक है, मेरे को वो कार काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरी ड्रीम कार भी है। आपकी फेवरेट कौन सी है बता देना आप कमेंट करके। तो गाइस यही था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे ऑल पर सेट करना जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।